छोटे से गांव में शंभू नाम का एक ईमानदार लोहार रहता था। शंभू मेहनती था और हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके दादाजी बीमार थे और चारपाई पर ही दिन काटते थे। शंभू न सिर्फ अपना काम करता बल्कि दादाजी की देखभाल भी बड़े प्यार से करता था। उसी गांव में एक और लोहार मोहन भी रहता था। मोहन के मन में बस लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। वे हर ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलता और धोखे से कमाई करने की सोचता रहता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसकी दुकान पर जाना ही छोड़ दिया। अब सभी लोग शंभू के पास आते क्योंकि वे अच्छा काम करता और कम पैसे लेता था। शंभू अपनी दुकान में काम कर रहा था तभी एक किसान आता है। अरे शंभू भाई, मुझे एक नई कुदाल बनवानी है, खेतों का काम रुका पड़ा है। हाँ भाई, बन जाएगी कुदाल, लेकिन 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कुछ पैसे देने होंगे? हाँ 10 रुपए दे दो, बाकी काम पूरा होने पर दे देना। धन्यवाद शंभू भाई, तुम हमेशा कम पैसों में अच्छा काम करके देते हो। इधर मोहन अपनी दुकान के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था और शंभू के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये कैसे हो रहा है, मेरे पास तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे, उसे इतना काम कैसे मिल रहा है? शाम को शंभू अपने दादाजी के लिए दवाई लेने बाजार जाता है। वापस लौटते समय जब वह जंगल के रास्ते से घर आ रहा था तभी उसे रास्ते में एक घायल बकरी दिखाई देती है। अरे बेचारी बकरी, तुझे क्या हो गया? चलो तुम्हें ठीक कर देता हूँ। वे मिट्टी उठाकर बकरी के जख्म पर लगाता है और थोड़ी देर बाद बकरी ठीक होकर चलने लगती है। एक पेड़ पर बैठे जादूगर ने ये सब देखा और उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। वाह, ये आदमी तो बहुत नेक दिल है, इसे तो एक इनाम मिलना चाहिए, लेकिन पहले इसकी परीक्षा लेता हूँ। जादूगर ने एक गरीब किसान का रूप धारण किया और शंभू के सामने आकर बोला, अरे भाई सुनो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे भाई सुनो, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये लो 50 रुपए हैं, इससे तुम कुछ खरीद कर खा लेना। जादूगर शंभू की उदारता देखकर मुस्कुराया और अपना असली रूप प्रकट किया। शंभू, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, तुम सचमुच एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता के लिए मैं तुम्हें यह जादुई हथौड़ा देता हूँ, ये लो। जब भी तुम इस हथौड़े से किसी लोहे को मारोगे और जिस वस्तु का नाम लोगे वह उसी में बदल जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। धन्यवाद जादूगर, मैं इस हथौड़े का सही उपयोग करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। अगली सुबह शंभू ने जादुई हथौड़े का पहला उपयोग किया। चलो आज इसे मैं अजमाता हूँ। हे जादुई हथौड़ा, इस लोहे को मुझे एक कुदाल में बदलना है। जैसे ही शंभू ने हथौड़े से लोहे पर मारा और कहा, लोहे का टुकड़ा कुदाल में बदल गया। वाह, यह तो सच में जादू ही है, अब मैं जल्दी से काम कर पाऊंगा और गांव वालों की ज्यादा मदद कर पाऊंगा। गांव के मुखिया शंभू की दुकान पर आते हैं। अरे शंभू, सुना है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
मुझे 10 चिमटे बनवाने हैं, कितने पैसे और कितने दिन लगेंगे? मुखिया जी, 100 रुपए लगेंगे और शाम तक तैयार हो जाएंगे। मुखिया आश्चर्यचकित थे कि इतने जल्दी काम वह कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने पैसे दिए और शाम को आने का वादा किया। शंभू ने जादुई हथौड़े से काम शुरू किया। उसने लोहे पर मारा और कहा चिमटे, और लोहे के टुकड़े तुरंत चिमटे में बदल गए। वह मुस्कुराया और चिमटों को चमकाने लगा। अरे शंभू, चिमटे तैयार हो गए क्या? ये लो, 10 चिमटे तैयार है मुखिया जी। मोहन ये सब देखकर हैरान और जलन से भर गया। ये कैसे हो सकता है? 10 चिमटे तो 5 दिन में बनते हैं, और इसने 3 घंटे में कैसे बना दिए? जरूर इसके पास कोई जादू है, मुझे इसका राज पता करना होगा। मोहन शंभू की दुकान पर आता है। अरे शंभू भाई, तुम इतनी जल्दी काम कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? हाँ मोहन भाई, मेरे पास ये जादुई हथौड़ा है। इसे लोहे के ऊपर रख कर जो बोलता हूँ वो मुझे मिल जाता है। अरे शंभू भाई, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे यहाँ चाय पीने का मन कर रहा है, क्या मुझे पिलाओगे? तुम बैठो, मैं भी चाय लेकर आता हूँ। जैसे ही शंभू चाय लेने गया, मोहन ने मौका देखा और जादुई हथौड़ा चुरा कर भाग गया। अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, इस जादुई हथौड़े से अब सब कुछ मेरा होगा। लेकिन मोहन को जादुई हथौड़े का नियम नहीं पता था। उसने हथौड़े को लोहे पर मार कर बोला, हे जादुई हथौड़ा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जैसे ही मोहन ने यह कहा, जादुई हथौड़ा हवा में उठा और उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो जादुई हथौड़ा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो जादुई हथौड़ा, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। हथौड़ा उसे मारते हुए पूरे गांव में उसके पीछे पीछे भागा। मोहन रोते हुए शंभू के पास पहुंचा। शंभू भाई, मुझे माफ कर दो शंभू भाई, मैंने तुम्हारा जादुई हथौड़ा चुराया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शंभू ने मोहन को माफ कर दिया और हथौड़ा वापस ले लिया। मोहन ने अपनी गलती मान ली और ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया।